आज से एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद आपको लोग कैसे याद करेंगे? काले अक्षरों, काले अक्षरों में इतिहास में आपका नाम जाएगा, पूरा भारत इसे याद रखेगा। बहुत आपको सेंस है ना कि आप बहुत ऊंचे हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूं, -24% जीडीपी के बाद सरकार की खामोशी इस बात से समझी जाती है कि इस वक्त वह बनाने के अलावा बेचने में मशरूम इंग्लिश। यह भी लगता है कि नवरत्न तेल ही रह जाएगा मार्केट में, नवरत्न कंपनी बिक जाएंगी। पर इनका बिकना तभी होता है जब सरकार के खजाने पर असर पड़ता है। इस सवाल का जवाब देने में मैं सक्षम नहीं हूं कि कल जब फिर ऐसा संकट आएगा तो क्या बेचेंगे। ये बेचारे ड्रग्स माफिया के मारे, ये बेचारे बॉलीवुड माफिया के मारे, ये बेचारे रिया चक्रवर्ती के मारे, ये बेचारे शौविक चक्रवर्ती के मारे, ये बेचारे ये लोगों ने भड़ास निकाली है। अपनी भड़ास निकाल लो, मगर लोगों के भड़ास से डरो। भड़ास निकाल रहे हो ना उद्धव ठाकरे, संजय राउत, कंगना राउत पर भड़ास निकाला ना, तो भड़ास क्यों निकाला ये पूछना चाहता है भारत। सुन रहा हूं। नहीं, बुरा अच्छा की बात नहीं है, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। आपने भड़ास निकाली, आपने भड़ास क्यों निकाली? मैं पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना की भड़ास समझ सकता हूँ, तो सवाल ये है कि इनकी भड़ास क्यों निकली? तो लोगों ने मुझे पूछा, अरनब किस चीज की भड़ास? मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के मामले में सभी राज्यों की रैंकिंग जारी की है। बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान लीडर पाए गए हैं। यही राज्य एक हफ्ता पहले तक और अब भी केंद्र सरकार से राजस्व मांग रहे हैं। जीएसटी का अपना हिस्सा मांग रहे थे तो उनसे कहा गया कि जाइए लोन ले लीजिए। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को लिखा कि संविधान के तहत आपने गारंटी दी है, वो आप पूरी नहीं कर रहे। राज्यों को अगर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया गया तो उन्हें अपने खर्चे में 3,00,000 करोड़ रुपए की कटौती करनी पड़ेगी। अगर उनका खर्चा घटा तो मांग और रोजगार दोनों पर असर पड़ेगा। जनता तक ये सूचनाएं पहुंच ही नहीं रही हैं। जनता को दूसरे सवाल दे दिए गए हैं। आप अपने आसपास चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हवा में उड़ा दिया तिनके की तरह, किशोर जी आपकी धमकियों को फूंक कर हवा में उड़ा दिया, समझ गए ना? ये वाली भाषा से डरते हैं? कोई नहीं डरता। ये तो कॉमेडी शो चलाता है, वॉकिंग टॉकिंग कॉमेडी शो। ये तो कॉमेडी शो चलाता है, इसको देखने से इसकी एक एक लाइन कॉमेडी वाली लाइन होती है। कोशिश करता है बड़ी बुलंदी से बोलने की, एक नंबर का कार्टून कैरेक्टर लगता है। वो कार्टून कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर। आप बुरा ना माने, आप कार्टून कैरेक्टर जैसी बात करते हो, वो तो कार्टून कैरेक्टर है। बुरा ना माने प्लीज, मानानी नहीं कर रहा, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मगर आप तो मुझे कार्टून कैरेक्टर लगते हो। वो हमेशा बटर 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 नॉन स्टॉप बोलते हो यार, क्यों क्यों? अर्थव्यवस्था का संकट हमारे टीवी स्क्रीन से कहीं ज्यादा बड़ा है। वैसे टीआरपी की जंग चल रही है टीवी की दुनिया में, रेटिंग और राजस्व के लिए, लेकिन पत्रकारों की नौकरियां भी जा रही हैं, उनकी सैलरी भी कम हो रही है। मुझे लगता है कि अब जल्दी ही किसी नए किरदार का आगमन होने वाला है। सलमान खान की क्यों भड़ास है? सलमान खान कहाँ है? बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं क्या? बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं सलमान खान? जिम जगह है, मुंह नहीं खोल पा रहे, वेट्स कर रहे हैं। ये घटिया लोग हैं, क्या बोल रहे हो? एक स्टोरी में 2.5 महीना निकला है, अब अगले 2.5 महीने के लिए नए कैरेक्टर की जरूरत है। कहाँ है? ये बहुत जरूरी है इस वक्त, वरना तालाबंदी जैसे फैसले से बेरोजगारों की जो फौज खड़ी हुई है वो प्राइम टाइम देखने लगेगी, उसके साथ जो ठगी हुई है वो खेल समझने लगेगी।